नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, डेमोक्रेसी में एक एक बात, एक एक वर्ड वो सुना जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके ऊपर बहुत पॉलिसीज हैं जो बनती हैं और कई चीजों को समझ भी आता है अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। हमारे जैसे लोग हर चीज के ऊपर नजर रखते हैं, नॉट बिकॉज मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, कोई यूट्यूबर हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट का आदमी हूं, मुझे ये सारी चीजें करने की आदत है, ये मेरा डीएनए का पार्ट है। इसलिए आपके सामने वो चीजों को बारीकी से निकाल कर आपके सामने रखने की मैं कोशिश करता हूं। अब आते हैं मोहन भागवत जी के ऊपर। उन्होंने जैसे खरी कोटी सुनाई है, किसको सुनाई है मुझे नहीं पता, आपको अगर समझ आएगा तो आप लिख देना। लेकिन कई लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि ये मोदी जी को सीधी सीधी टक्कर दी है मोहन भागवत ने। ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मुझे मालूम है ये किसी और को सुनाया गया है, लेकिन उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत जी की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, वो किसको सुना रहे हैं और उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है कि सच्चा सेवक अहंकारी नहीं हो सकता। ये सच्चा सेवक किसको बोल रहे हैं? अमित शाह को, योगी जी को, नड्डा को, मोदी जी को या पूरी बीजेपी की टीम को? मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चा सेवक अहंकारी नहीं हो सकता। और ये बोला कब है? चुनाव जीतने के बाद। और साथ में ये भी बोल दिया कि इस चुनाव में जो भाषा है उसकी मर्यादाएं तोड़ दी गई। बीजेपी को बोल रहे हैं, कांग्रेस को कुछ नहीं बोला, जो बोल रहा था तू मोदी हारने वाला है, यानी कि वो मर्यादा के बाहर है, हम अपनी मर्यादा के बाहर नहीं रह सकते। रामायण का टाइम चल रहा है क्या मोहन भागवत जी? महाभारत में भी कृष्ण को भी मर्यादा तोड़नी पड़ी, और आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मोदी जी करते हैं रामचंद्र बनने की। ये रामायण का टाइम नहीं है। और साथ ही आपने ये भी बोल दिया कि विपक्षी दलों को विरोधी दल आपको नहीं कहना चाहिए था। ये तो मोदी जी बोल रहे थे विरोधी दल, और आप एक एक वर्ड निकाल के बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। और साथ में ये बोल रहे हो कि राजनीति में पक्ष होता है और प्रतिपक्ष होता है, विरोध नहीं होता है। और जो आपने ये बोला है ये आगे से नहीं होना चाहिए। और ये जो बोला है आपने, अगर ऐसी चीजें, इससे जनता के लिए अपमानजनक बातें हैं। ये जनतंत्र का आधार है और मत देकर सरकार बनाती है जनता, आपने उनका अपमान किया है। और ये सारा कुछ सरकार बनने के बाद, ये बहुत महत्व की बातें हैं जो मोहन भागवत ने कही हैं। और इसी के कारण ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कितनी वीडियोस आ गई कि संघ और बीजेपी के बीच में मतभेद शुरू हो गया है। यानी कि हमारा हिंदुओं का जो स्ट्रॉन्ग पिलर था आरएसएस संघ, वो और बीजेपी अलग होते दिखाई देते हैं, ये लोग बोलते हैं। मेरी आरएसएस के टॉप के लोगों से बात हुई है, मोहन भागवत जी से नहीं हुई। मैं ये क्लेम नहीं करता हूं क्योंकि मैं फिंकू नहीं हूं, लेकिन जो थिंक टैंक के लोग हैं, जब उनसे मेरी बात हुई है, वो बोलते हैं कोई मतभेद नहीं है, हम और बीजेपी अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन यस, कहीं ना कहीं आग है तो धुआं भी है, क्योंकि जेपी नड्डा ने चुनाव चलते हुए जो आरएसएस के संबंध में भाषा का प्रयोग किया, तो उसके बाद जो ये संघ प्रमुख की जो प्रतिक्रिया आई है अभी, इसके कारण धुआं निकल रहा है। लेकिन आरएसएस की आप देखिए, जब चुनाव थे कुछ नहीं बोला, जब चुनाव हो गए, परिणाम आ गया, सरकार बन गई, उसके बाद रिएक्शन दिया है। ये भी एक सुलझे हुए आदमी की निशानी होती है। और लोग क्या बोल रहे हैं? आरएसएस बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि नड्डा के बयान के बाद आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव में काम ही करने नहीं आए। उन्होंने खुद वोट तो दिया बीजेपी को, लेकिन काम नहीं किया। लेकिन अगर आरएसएस ने काम नहीं किया तो ओडिशा कैसे जीत गए? देश के 20-21 स्टेट्स के अंदर बीजेपी जीती है, वो कैसे जीत गई? क्योंकि बीजेपी खुद तो कभी जीतती ही नहीं है बिना आरएसएस के सपोर्ट के।
दैट मीन्स ये जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, ये भी आग में घी डालने का काम करने की कोशिश है। क्यों? ताकि इनके अंदर अगर कोई डिफरेंस है भी, उसे और तूल दी जाए। ये चीजें हैं जो हिंदुओं को बांटती हैं। तो ये जो मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो भाजपा का जो ये सारा परिणाम आया है, ये क्या संघ के बिना काम किए आ गया? जो 240 सीटें आई हैं, क्या बीजेपी अपने दम पर ले गई या संघ के सपोर्ट के कारण लेके गई है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप क्या समझते हैं? क्या आरएसएस, जो हमेशा पिलर की तरह खड़ी रही बीजेपी के साथ इस इलेक्शन में, उन्होंने साथ नहीं दिया? और क्या संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस? वो भाई दर्जनों संगठन है जिन्होंने इकट्ठे मिलकर बीजेपी को बनाया है। विश्व हिंदू परिषद है, संस्कार भारती है, दुर्गा वाहिनी है, ऐसी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे भारत में फैली हुई हैं और चुपके से अपना काम करती हैं। लेकिन जो लोग हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, वो नड्डा जी के बयान के ऊपर वो बातें बोल रहे हैं कि नड्डा जी ने ऐसा बोल दिया। अब तो नड्डा जो है उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। पहले लगता था कि शायद कोई टिप्पणी आएगी बीजेपी की तरफ से, उनको कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद सबका मुंह बंद कर दिया है। ऐसा लगता था कि शायद उन्हें डिमोट कर दिया जाएगा, उन्हें ना तो कोई पद मिलेगा, ना कोई कुछ भी मिलेगा, नहीं, कैबिनेट मंत्री बना दिया। दैट मीन्स संगठन जो काम कर रहा है या बोल रहा है, जैसे मोहन भागवत जी ने बोला है, उसकी कोई भी टिप्पणी नहीं आएगी। लेकिन बीजेपी और संगठन दोनों मिलकर इसका हल जरूर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि संघ के बिना बीजेपी नहीं जी सकती, बीजेपी को भी मालूम है। लेकिन जो मोहन भागवत जी की जो स्टेटमेंट आई है, इसने मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि इस भागवत जी की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामान्य नहीं है, तीखी है। क्योंकि उन्होंने क्या बोला, सच्चा सेवक अहंकारी नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से उन्होंने जो जो पार्टी के अंदर नेता हैं अहंकारी, उनके ऊपर कड़ी टिप्पणी की है। वो कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के लिए है ये, लेकिन पार्टी में कई लोग हैं जो बहुत अहंकारी हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि पक्ष और प्रतिपक्ष होता है ओपोनेंट्स, इसको भी महत्व हमें समझना चाहिए। और बीजेपी 400 का नारा लेकर आई थी और अपने बलबूते के ऊपर 272 भी पार नहीं कर पाई, और इसके ऊपर गंभीर मंथन आरएसएस भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। और अभी तो समीक्षा शुरू हुई है। मोहन भागवत जी, जो मेरी अंदर की न्यूज है, ही वो खुद भी चिंतित हैं कि इतना काम करने के बाद यूपी हार गए, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिन्होंने वोट ही नहीं किया बीजेपी को इतना काम करने के बाद। और इतना काम करने के बाद अगर वोट नहीं देती है तो सवाल तो खड़े होते हैं, और ये हम भी कर रहे हैं, आज तक पचा नहीं पा रहे कि यूपी, वहां पर जहां पर हम 80 में से 80 की सोच रहे थे आ जाएंगे, वहां पर 30 नाम दिए गए और 30 में से 28 हार गए। और जो हमारे अरुण गोविल जी थे रामायण प्रोग्राम में, रामचंद्र जी का जिन्होंने रोल किया था, बाल बाल बचे हैं हारते हुए। रामचंद्र जी खुद यूपी में हार रहे थे। पॉसिबल है? इसलिए ये चिंतन और मंथन करने के लिए ही मैंने वीडियो बनाया है कि बीजेपी को भी चिंतन करना चाहिए कि अगर भागवत जी ऐसी बातें बोल रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है आपके संगठन में। आरएसएस नहीं बोल रहा, यानी कि जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं, जो उनकी भाषा है या तरीका है काम करने का, उसके ऊपर आपको भी मंथन करना पड़ेगा। लेकिन मंथन इंडी अलायंस को भी करना पड़ेगा। वो भाई हार कर भी वो जश्न मना रहे हैं कि जैसे जीत गए हो, बाजी जैसे मार ली हो।
क्योंकि राहुल गांधी को उम्मीद ही नहीं थी कि 10 से ज्यादा सीटें आएंगी और वायनाड से भी जीत जाएंगे और इधर से रायबरेली से जीत जाएंगे। दोनों तरफ से जीत गए हैं, पागल हो गए हैं। अखिलेश का भी यही हाल है, ममता का भी यही हाल है, तीनों पागल हुए फिरते हैं। केजरीवाल पागल होता होता आगरा जाते जाते तिहाड़ जेल पहुंच गया। तो लेकिन ये जीते कैसे? ये जीते बीजेपी की ओवर कॉन्फिडेंस में, मुझे ऐसा लगता है। कुछ कमजोरियां थी बीजेपी के अंदर जो जिनका फायदा उठाया गया। आईटी सेल वीक था, इन्होंने फायदा उठाया। एक फायदा और उठाया, अपने कार्यकर्ताओं को यहां से रिजाइन करवाकर बीजेपी में भेज दिया उनकी कार्यशैली समझने के लिए, और वही चीजें उन्होंने उन्हीं लोगों से अपने फायदे में करवाई। कांग्रेस ने ये सीटें ऐसे ही जीते नहीं है। बीजेपी को लग रहा था कि वहां से लोग घबरा घबरा कर हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन वो लोग इनकी अंदर की प्लानिंग और काम करने के तरीके सीखने आए थे। कांग्रेस का ये बहुत अच्छा एक दाव था और वो जीत गए। लेकिन कांग्रेस को खिंच भी है कि इतनी कोशिशें, इतने छल, इतने कपट करने के बाद भी वो सरकार नहीं बना पाए। और इनकी फड़फड़ाहट आप देख सकते हैं। राहुल गांधी जैसे दांत पीस पीस के बोलता है, आपको समझ आता है कि गुस्सा है कि 5 साल और मेरे जिंदगी के, अब पूरे भारत में धक्के खाते निकल जाएंगे। और इनके जो ये प्रवक्ता आते हैं, पवन खेड़ा हो गया, सुप्रिया, वही कुप्रिया श्रीनेत, उनके जो चेहरे हैं उनके ऊपर नजर आता है गुस्सा। इतनी घुटन है उनकी बातों में और वो आग उगलते हैं जब भी वो टीवी के ऊपर आते हैं, और इसलिए अनाप शनाप बोलते भी हैं बेशक उसका सर पैर ना हो। लेकिन मोहन भागवत जी ने जो बोला उसका सर भी है और पैर भी है, क्योंकि जैसे खरी कोटी मोहन भागवत जी ने पहली बार सुनाई है, वो भी सरकार को, विपक्ष को नहीं बोला है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि संभल जाओ, मुझे चिंता है, अगली बार इतने भी नहीं आएंगे अगर ऐसा ही काम चलता रहा। अब किसको सुनाई है? आरएसएस वाले बोलते हैं मोदी जी को नहीं सुनाई, ये उनको सुनाई है जिनको सुनाना जरूरी था। और ये एक खतरे की घंटी एक तरह से आरएसएस ने बजा दी, सेट योर हाउस राइट। दैट मींस बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं एक जो ओवर कॉन्फिडेंस है या ईगो है वो घुस गई है। जिन मंत्रियों को, मेरे पास सिर्फ 2 मंत्री हैं जिनसे मैं मिलता हूं, उनके अंदर वो ईगो नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जिनके अंदर है और दिखती भी है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी है, मैं कभी भी इनको ऐसे कटघरे में खड़ा नहीं करूंगा। लेकिन मोहन भागवत जी ने जैसे इनको कटघरे में खड़ा किया है, अब इसके ऊपर पक्ष में और विपक्ष में बहुत बातें आएंगी कि इनके अंदर, और इसको तूल दी जाएगी ताकि जो नीचे कार्यकर्ता है वो बीजेपी से आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जाए। और हम लोग ये कभी होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आरएसएस के लोगों के साथ मेरी रेगुलर टच में है और मैं कोशिश करूंगा उन्हें अपने प्रोग्राम में लेकर आऊं ताकि उनका पक्ष भी आपके सामने क्लियरली रखा जाए। और ये वो लोग होंगे जो बीजेपी और आरएसएस के थिंक टैंक के लोग हैं। आई एम इन टच विद देम एंड आई एम गोइंग टू इनवाइट देम वेरी सून। देखते हैं उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी करने का काम हम करेंगे। आप भी साथ दीजिए, लोगों को जगाते रहिए। आपने लास्ट टाइम जगाने का काम नहीं किया, इसका दुख मुझे भी है क्योंकि मैं खुद फेलियर मानता हूं अपना। एक साल पूरा मैंने अपना काम बंद करके इस मुहिम में लगाया था कि हमारी सरकार आ जाए, क्योंकि मुझे डर था कि कुछ बड़ा होगा, हमारी सरकार नहीं आएगी, और मेरा डर सही निकला। बाकी सब आके यहाँ पे एक ही बात बोलते थे, आएगी तो मोदी ही, चिंता क्यों करते सोमित जी, आराम से बैठो। और मुझे अंदर से पता था, ये फीलिंग थी मेरी कि इतनी आसानी से चीन, पाकिस्तान, अमेरिका ये नहीं आने देंगे मोदी जी को, और वही हुआ। अब अगली बार ऐसी गलती दोबारा नहीं हो, इसी के लिए अब हमें भी अपनी मुहिम को और तेज करना पड़ेगा। और भागवत जी की जो बात, ये मेरे दिल को चीर गई है, और इसका मैं अब खुलासा करके छोड़ूंगा कि मतलब क्या था। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हाय देयर, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन।
Subscribe to our channel and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.